तो हेलो मेरे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है क्रिएटिन, कि क्रिएटिन क्या है, क्रिएटिन को किस तरीके से यूज करते हैं, क्रिएटिन के बेनिफिट्स क्या हैं, क्रिएटिन लेने के साइड इफेक्ट्स क्या हैं, और क्रिएटिन लेते समय हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर रहने वाली है। वीडियो को पूरा देखें ताकि जो है मैं आप ताकि आपको सही से समझ में आ सके कि आपको क्रिएटिन किस तरीके से यूज करना है। और इस वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्रिएटिन से रिलेटेड कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल राहुल गुप्ता फिटनेस पर। तो अब बात करते हैं क्रिएटिन। तो सबसे पहले मन में सवाल आता है लोगों के कि क्रिएटिन है क्या। तो मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्रिएटिन होता क्या है। क्रिएटिन जो है एक सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी जो है नेचुरली भी प्रोड्यूस करती है इन अवर किडनी, लंग्स और पैनक्रियाज में। तो क्रिएटिन का मेन काम क्या होता है हमारी बॉडी में। क्रिएटिन हमारी बॉडी में एटीपी जनरेट करता है, और एटीपी से जनरेट होती है एनर्जी। तो जब हम क्रिएटिन लेते हैं तो क्रिएटिन लेने से हमारी बॉडी ज्यादा एटीपी जनरेट करती है, और जब ज्यादा एटीपी जनरेट होगा तो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी हमारी बॉडी में। इसका मतलब मोर क्रिएटिन मीन्स मोर एटीपी, एंड मोर एटीपी मीन्स मोर एनर्जी। तो ये होता है क्रिएटिन। अब आता है सेकेंड पॉइंट कि क्रिएटिन लेने के फायदे क्या हैं। तो सबसे पहला फायदा और सबसे बड़ा फायदा आता है कि क्रिएटिन हमारी लीन मसल मास गेन करने में हेल्प करता है। और अब ये लीन मसल मास गेन करने में हेल्प इस तरीके से करता है, जैसे कि आप क्रिएटिन लेना स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद जो है हमारी बॉडी में क्रिएटिन क्या करता है, हमारी मसल्स के अंदर वाटर जो है वाटर रिटेंशन होती है, तो उससे हमारी बॉडी और भी ज्यादा फुल लुक आता है हमारी बॉडी में, और हमारी बॉडी में जो है मसल्स गेन होती हैं। सेकेंड बेनिफिट क्या है, हमारी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिलती है क्रिएटिन लेने से। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि क्रिएटिन लेने से हमारा एटीपी जनरेट होता है ज्यादा, तो उसके बाद हमारी बॉडी में ज्यादा एनर्जी आएगी, तो हम अच्छे से वर्कआउट परफॉर्म कर पाएंगे और हमारी और भी अच्छी तरीके से मसल्स गेन होंगी। और थर्ड पॉइंट आ जाता है कि क्रिएटिन जो है हमारी बॉडी में हमारी स्ट्रेंथ को जो है इंक्रीज करता है। थर्ड पॉइंट है क्रिएटिन इंक्रीज अवर बॉडी स्ट्रेंथ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आप जो है बेंच प्रेस कर रहे हैं, तो आपने लगा रखा है 100 किलो, 100 किलो से आप जो है 4 या 5 रैप मैक्स खींच पा रहे हैं। तो अगर आप क्रिएटिन लेना स्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि 1 से 2 हफ्ते बाद आप उसके 4 से 5 की जगह 8 से 10 रैप इजिली परफॉर्म कर पाएंगे। तो इस तरीके से जो है क्रिएटिन जो है हमारी बॉडी में जो है बॉडी की जो है स्ट्रेंथ जो है गेन करने में हेल्प करता है। और क्रिएटिन का जो है फोर्थ बेनिफिट होता है, क्रिएटिन हमारी ब्रेन फंक्शन भी जो है अच्छी करता है। तो ये हो गए क्रिएटिन के फायदे। अब मैं बताता हूं कि क्रिएटिन आपको यूज किस तरीके से करना है। तो क्रिएटिन जो है हम 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। एक होता है रेगुलर यूज करना, एक होता है लोडिंग फेज, और एक होता है साइक्लिंग फेज। तो मैं आपको तीनों फेज जो है अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। जो रेगुलर फेज होता है उसमें क्या करते हैं, हम 3 से 5 ग्राम जो क्रिएटिन है वो दिन में आप कभी भी लें, वो जो है आप लॉन्ग टर्म के लिए आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहे तो होल लाइफ भी, आप पूरी जिंदगी भी आप जो है क्रिएटिन 3 से 5 ग्राम जो है आप यूज कर सकते हैं। सेकंड आता है लोडिंग फेज। तो लोडिंग फेज में क्या करते हैं हम, लोडिंग फेज में पहले दिन लेंगे हम 5 ग्राम, दूसरे दिन लेंगे 10 ग्राम, तीसरे दिन लेंगे हम 15 ग्राम, और चौथे दिन लेंगे हम 20 ग्राम। उसके बाद हम करेंगे लोड कर लिया हमने, अब फिर हम करेंगे अनलोडिंग फेज, मीन्स हम फिर लेंगे 15 ग्राम, 10 ग्राम, 5 ग्राम, इस तरीके से लेंगे, और फिर अगेन हम नेक्स्ट वीक इसी तरीके से लेंगे। और उसके बाद जो है ये हो गया हमारा लोडिंग फेज। और उसके बाद आ जाता है साइक्लिंग, की साइक्लिंग किस तरीके से करेंगे क्रिएटिन के। क्रिएटिन की साइक्लिंग हम इस तरीके से करेंगे कि हम जो है पहले हम स्टार्टिंग में लेंगे 20-20 ग्राम, हम लेंगे अपना 2 हफ्तों तक 20-20 ग्राम क्रिएटिन लेंगे, उसके बाद 1 हफ्ता बंद करेंगे, फिर 2 हफ्ते लेंगे, फिर 1 हफ्ते बंद करेंगे। इस तरीके से हो गया आपका साइक्लिंग फेज। तो ये हो गए हमारे 3 तरीके क्रिएटिन के यूज करने के। तो अब देखें क्रिएटिन, क्रिएटिन के साइड इफेक्ट क्या होते हैं। तो क्रिएटिन एक तो आपको जो है थोड़ा सा सिर में दर्द वगैरह भी महसूस हो सकता है, दूसरा आपका वेट गेन, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए वेट गेन होना एक तरीके से साइड इफेक्ट ही है। तो मेनली यही 2 साइड इफेक्ट हैं। वैसे तो क्रिएटिन के बहुत ही कम साइड इफेक्ट हैं क्योंकि नेचुरली बेस होता है। इसके बाद जो आता है कि क्रिएटिन के बारे में क्या क्या मिथ फैले हुए हैं। जैसे कि सबसे पहला मिथ है कि क्रिएटिन जो है वो किडनी स्टोन करता है, जो कि ऐसा नहीं है, ठीक है। और क्रिएटिन किडनी स्टोन वगैरह होता है इसे लेने से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ ही है। अब आ जाते हैं कि क्रिएटिन लेते हुए आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए।
सबसे पहला आपको जो है क्रिएटिन लेते वक्त लेते टाइम 3 से 4 लीटर पानी का इंटेक जो है एवरीडे रखना है। उसके बाद अब जो है क्रिएटिन लेते समय भी जो है अपनी डाइट को जितना अच्छा रखेंगे उतना ही अच्छा आपको जो है रिजल्ट मिलेगा। तो ये है हमारे प्रिकॉशंस जो हमें जो है क्रिएटिन लेते हुए लेने हैं। तो अब मैं बताता हूँ आपको कुछ जो हमारे नेचुरल फूड है उसमें भी जो है क्रिएटिन अवेलेबल होता है, जैसे कि नॉन वेज फूड में हो गया आपका चिकन में, एग्स में और फिश में जो है क्रिएटिन अवेलेबल होता है। तो ये हमारे नेचुरल फूड हैं जिनसे हम जो है क्रिएटिन कंज्यूम कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कुछ बेस्ट क्वालिटी के जो है, वैसे तो मार्केट में काफी सारे क्रिएटिन अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ जो है सबसे अच्छा क्रिएटिन जो है माना जाता है वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। उसे ही आप यूज करें, वो एक तरह से चीपर भी है बाकी सारी क्रिएटिन से, और बाकी सारे क्रिएटिन काफी ज्यादा फैंसी होते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही जो है परचेज करें और यूज करें। आप चाहे तो किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो क्रिएटिन को लेकर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। इंस्टाग्राम आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो किसी भी चीज से रिलेटेड, डाइट से, सप्लीमेंट से, एक्सरसाइज से, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम करें, मैं उसके ऊपर भी जो है वीडियो जल्द ही लाऊंगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।